नमस्कार दोस्तों, आज हम हमारा समाज विविधता से भरा अध्याय का अगला और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। इस अध्याय के पिछले भागों में हमने अपने भारतवर्ष की भौगोलिक बनावट में विभिन्नता के बारे में जाना, यहाँ की सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विभिन्नता के अनेक रूपों का हमने बारीकी से अध्ययन किया। देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम भारत की विविधता में एकता की चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हमारे झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख मेलों के बारे में हम जानेंगे। आइए भारत की विविधता में एकता की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको अब मालूम हो गया होगा कि विविधता हमारे देश की पहचान बन गई है। यहाँ की एकता देश की सबसे बड़ी ताकत व विशेषता है। हम भले ही विभिन्न जाति, धर्म या क्षेत्र के हों, लेकिन सबसे पहले हम भारतीय हैं। भारतीय होने का यह भाव ही हमारी एकता का मूल मंत्र है। बच्चों, हमारे देश में एक ही गांव में विभिन्न धर्मों एवं जातियों के लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के सुख दुख में सम्मिलित होते हैं, मिलजुल कर समस्याओं का संयुक्त रूप से सामना करते हैं। भाषा, धर्म, जाति आदि की विविधता के बावजूद भी हमारे गांव आपस में जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे देश में सांप्रदायिक झगड़े भी जन्म लेते हैं, लेकिन लोगों के आपसी तालमेल और एक दूसरे पर निर्भरता के कारण समाप्त हो जाते हैं। संसार में ऐसे समाज बहुत कम देखने को मिलते हैं जहां विभिन्न धर्म जाति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हों। आज विश्व के बाकी अन्य देश भी प्रेम, भाईचारा तथा शांति जैसे मूल्यों को अपनाने के अनेक प्रयास कर रहे हैं। बच्चों, हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना में समस्त नागरिकों के बीच न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व की बातों को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया है। आइए अब एक नज़र अपने झारखंड के प्रमुख मेलों की ओर डालते हैं। बच्चों, यह है श्रावणी मेला। यह मेला देवघर में लगता है। हिजरा मेला दुमका में लगता है। मुड़मा मेला रांची के मुड़मा जगह में लगता है। रथ मेला रांची के जगन्नाथपुर में देखने को मिलता है। रामरेखा धाम मेला, यह मेला सिमडेगा क्षेत्र में लगता है। सूर्यकुंड मेला हजारीबाग में लगता है। उर्स मेला हमारे झारखंड की राजधानी रांची में लगता है। झारखंड में कई जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ के गांव में मनाए जाने वाला रामनवमी एवं मुहर्रम का पर्व सांप्रदायिक सौहार्द का अनुपम उदाहरण है। गांव के सभी लोगों की सहभागिता इनमें होती है। इन दोनों अवसरों पर सभी भेदभाव भुला दिए जाते हैं और पूरा गांव एक ही रंग में रंग जाता है। आइए दोस्तों, अब देखते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। इस वीडियो में हमने भारत की विविधता में एकता के बारे में चर्चा की, साथ ही झारखंड के प्रमुख मेलों के बारे में हमने अध्ययन किया। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।